लास्ट तक पूरी देख ली तो आपको टॉप करने से किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली तो आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे प्रश्न हल करके आओगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली तो आप टॉपर को भी पीछे छोड़ दोगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। विज्ञान में अगर आपको टॉप करना है, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना है, तो इस 10 मिनट की वीडियो को, 15 मिनट हो जाए चाहे, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को लाइक भी नहीं करना, शेयर भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक। आज मैं आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप 500 से 1000 रुपये डेली जीत सकते हो, जिसका नाम है आप देख सकते हो क्रिकविन। आपको इसमें सिंपली करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है, साइनअप कर लेना। साइनअप करने के लिए यहाँ पर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर आपको रजिस्टर कर देना है। यहाँ पर आपको रिफरल कोड अगर आप मेरा यूज करते हो जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो आपको यहाँ पर कैशबैक मिल सकता है। दोस्तों आप यहाँ से जीते हुए पैसों को आसानी से अपने बैंक अकाउंट में, पेटीएम वॉलेट में या फोन पे वॉलेट में या फिर पेटीएम में आराम से ट्रांसफर कर सकते हो। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर के डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और आप अगर यहाँ पर एक फ्रेंड को अगर आप इसे शेयर करते हो तो वहाँ पर आपको 50 रुपये बोनस मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर स्पिन एंड विन करते हो तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे एसेसरीज जिस सकते हो, जैसे कि हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ आदि, ठीक है। तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए तक देखना है। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 8वीं का मैं विषय विज्ञान का आपका जो वार्षिक परीक्षा का जो पेपर वो लेकर के आ चुका हूँ। ये कोई आपका प्रयोग प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है ना, आपका पेपर है, ठीक है। पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आपके 60 में से 50 अंक डेफिनेटली आ जाएंगे। तो आपको पूरी वीडियो को फुल्ली वॉच करना है, शेयर भी नहीं करना है, लाइक भी नहीं करना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है। जो भी बातें करूँगा आराम से आपको उनको समझने का प्रयास करना है। आप देख रहे हो ATI रुपेश पांचाल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप सभी यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार का आपको चित्र दिया जाएगा। मुझसे जैसा बना है मैंने आपके लिए बनाने का प्रयास किया है। इसमें बताया जा रहा है कि चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आपको ध्यान से देखना है। इस प्रकार का रहता है चित्र, ठीक है। तो ये क्या है भैया, कवक है। क्या है, कवक, ठीक है, कवक का चित्र है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है यह सूक्ष्म जीव के किस वर्ग में आता है। यह जो चित्र दिख रहा है यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है, तो वनस्पति में आता है। कौन से वर्ग में आता है, वनस्पति। आप समझते हैं ना, जैसे कि है ना, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जो भी है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही किसी पौधा, ये भी खाने का है ना, ये खाने का हो चाहे किसी का, लेकिन पर्यावरण का है ना, कि वनस्पति का, ठीक है। अगला प्रश्न अपना बोल रहा है यहाँ पर फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, फसलों को। तो प्रत्येक वर्ग के दो दो आपको उदाहरण भी देने, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फसल को 3 वर्गों में बांटा गया बच्चों। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, है ना। तो देखिए पहला वर्ग तो जो वो है रबी की फसल, दूसरा वर्ग है अपना खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसल। ये 3 वर्ग है ना। जैसे कि रबी की फसल अगर हम बात करें तो हो जाएगा चना, सरसों, ठीक है, ये हो जाएगी रबी की फसल, यानी कि ठंड में बोई जाती है ना वो। उसके बाद खरीफ की फसलों की अगर बात करें बच्चों तो हो जाएगी मूँगफली, मक्का आदि, ठीक है, जैसे कि खरीफ यानी कि जिनको बरसात में बोया जाए। और जायद की फसल वो है, ठीक है, जो जाते जाते बोई जाती है, जैसे कि खीरा, तरबूज आदि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र कहा गया है, क्योंकि ये मिट्टी को पोल कर यानी कि उसको लसलसा बना देते हैं, ठीक है, तथा ह्यूमस बनाते हैं, है ना, ह्यूमस उसमें जो है ना डालते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है, ठीक है। क्या करते हैं ये केंचुए जो है ना, ये केंचुए मिट्टी को खुरद देते हैं और उसको कैसे बनाते हैं, लसलसा यानी कि उसमें छेद कर देते हैं, तो वो क्या है उसमें आसानी से पानी पी सकती है। तो ये मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी में जो है ना फसल ज़्यादा अच्छी होगी, तो इसलिए जो है ना मिट्टी में रहने वाले केंचुओं को किसानों का मित्र कहा गया है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न अपना क्या बोल रहा है कि जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए जंतुओं में होने वाले रोगों के नाम, जैसे कि यहाँ पर दाद हो गया, खुजली हो गया, ठीक है, आपको पता होगा दाद क्या है,
ठीक है, और एक और खुजली क्या है, ठीक है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें पौधों में रोग कौन कौन से होते हैं, तो आलू का बार्ड रोग, ठीक है, उसके बाद गेहूं का गेरुआ रोग, ठीक है, आदि होते हैं पौधों में, ठीक है, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न 5, नायलोन के किस गुण के कारण उसका उपयोग कपड़े के निर्माण में होता है। तो देखिए, नायलोन सूती कपड़े में विकिरण सुरक्षा और एंटी स्टेंस्टीन की फायदे है, इसलिए नायलोन का उपयोग कपड़े के निर्माण में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 अपना क्या बोल रहा है, माचिस के बॉक्स की खुदरी सतह पर रगड़कर माचिस में आग क्यों लग जाती है। तो देखिए, ये प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि आपने माचिस देखी होगी इतनी बड़ी रहती है, और इधर उसका जो रहता है ना, वो रहता है जहाँ पर उसमें किसी काड़ी को, जैसे कि अपन ये काड़ी है, अगर इसको अपन यहाँ से इसे रगड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये काड़ी जल जाएगी, इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। तो ये क्यों लग जाती है, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, माचिस के बॉक्स की खुदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली घर्षण के कारण जल जाती है। किसके कारण भाई, घर्षण के कारण। अब बोलोगे कि सर इसको अगर हम जमीन पर अगर रगड़े तो वहाँ पर भी तो घर्षण होगा, फिर वहाँ पर क्यों नहीं जलती है। तो देखिए बच्चे, वहाँ पर जो है ना, उसको उसका जो साथी वो नहीं मिलता, उसका साथी है ना, उसका साथी क्या है, ये जिसमें ये कुछ लगा रहता है केमिकल, ये तो इससे वो मिल करके जो है ना आग उत्पन्न कर लेता है। क्या उत्पन्न कर लेता है, आग उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, निम्नलिखित पदार्थों में से विद्युत के सुचालक एवं कुचालक पदार्थों को छाटिए। जैसे कि पहला है लोहे की कील, गंधक है ना, कोयला, तांबे का तार, प्लास्टिक, लकड़ी का खिलौना, एल्यूमिनियम तार आदि। इनमें से आपको क्या छाटना है, एक तो सुचालक वस्तु है और एक कुचालक वस्तु है। तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों सिखा दूँ सुचालक क्या है। तो बच्चों सुचालक वो होती है जिसमें चालन करते हो। जैसे कि देखिए, जैसे कि कोई लोहे की कील है, अगर लोहे की कील को अगर आप किसी वायर में, ये किसका वायर है, मान के चलिए करंट का वायर है, इसमें धन का करंट आ रहा है, अगर इसमें इसको टच कर दोगे इसमें यहाँ पर, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पर हाथ लगाओगे तो आपको करंट आएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सुचालक हैं। अगर इसी की जगह अगर हम लकड़ी का यहाँ पर रखते, लकड़ी का इधर रखा आपने मान के चलिए गट्टा, और इसको अगर आपने यहाँ पर रख दिया, इसमें टेक दिया, तो क्या आप यहाँ पर हाथ लगाओगे तो करंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई ये क्या है, कुचालक है। तो ये है आपका सुचालक और कुचालक से तात्पर्य। अब देखिए, आपको वस्तु छाटनी है तो अब आप आसानी से छाट सकते हैं। जैसे कि लोहे की कील, तो मैंने आपको बता दिया, तो सुचालक है। तांबे का तार भी सुचालक है, एल्यूमिनियम तार भी सुचालक है, क्योंकि भाई इसमें करंट आने वाला वस्तु है। उसके बाद अगर कुचालक की बात करें तो गंधक, ये क्या है, ये भाई कुचालक है। कोयला भी कुचालक है, करंट नहीं आएगा। प्लास्टिक ये भी है ना कुचालक है। लकड़ी का खिलौना, ये भी कुचालक है, ठीक है। लेकिन ये भी सुचालक कब बन जाता है, जब ये पानी से भीग जाते हैं, ठीक है, एक बात का ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी तो आपको इसी पर जाना है, ठीक है, क्योंकि भाई पानी से भीगा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, कचरे के ढेर से है ना गाय व अन्य जानवर खाद्य अपशिष्ट के साथ साथ पॉलीथीन के थैली व खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं, इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप रिलेट कीजिए, ठीक है, ऐसा आप अपना माइंड में एक चित्र बनाइए, ठीक है। देखिए, क्योंकि पॉलीथीन एक अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है ना, पॉलीथीन यानी कि वो थैली, ठीक है, प्लास्टिक की थैली, जिसका अपघटन नहीं होता है, यानी कि जो पचनी ये नहीं है, जो गलती नहीं है, ठीक है। ऐसे में गाय या फिर अन्य जानवर द्वारा है ना पॉलीथीन निगलने पर उनकी मौत हो जाती है। क्यों नहीं हो पाती, हो जाती है, क्यों हो जाती है उनकी मौत, क्योंकि भाई देखिए, जहाँ से उनका जो गुदा द्वार होता है वहाँ से उनके क्या अपशिष्ट मल जो है ना वो त्यागते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है ना वो थैली यहाँ पर जो है ना रुकावट पैदा कर देती है। तो उनके उनका जो है ना वो जो अपशिष्ट पदार्थों का जो निकलने का मार्ग होता है ना वो बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और कुछ निकल नहीं पाता है। तो उनके अंदर जो है ना पेट में बहुत ज़्यादा, रोज़ खाती रहेंगी रोज, तो फिर भूखी नहीं लगेगी ना, फिर निकालेंगे नहीं तो, है ना, आपको पता है अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं, इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 9, धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। तो देखिए, आपको अंतर में बता दूं किस प्रकार से लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है, सभी धातुएं, देखिए
क्या लिखना है आपको, सभी धातुएं चमकीले होते हैं, चमकीली होती है ठीक है, जबकि धातु में कोई चमक नहीं होती है ठीक है। पहला अंतर ये देखिए, मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आपने देखो कहीं आप अगर जाओ लोहार के पास या फिर सुतार के पास या कारपेंटर बोल लो, अगर उनके पास जाओगे तो उनके पास रहेगा भाई कोई है ना चक्कू, या आपके घर पर चक्कू ही देख लो तो किसका धातु का है, तो उसमें क्या है चमक है, क्योंकि भाई जहाँ पर धार है ना वहाँ पर उसमें क्या है चमक है। कहाँ की कौन सी जगह है उसमें चमक, ये इस जगह है, ये इस जगह उसमें क्या रहती है चमक रहती है। और अगर हम अधातु की बात करें, अगर लकड़ी है, ये लकड़ी है मान के चलिए, तो इसमें चमक रहेगी क्या, चमक तो रहेगी लेकिन इतनी नहीं रहेगी जितनी धातु में है ना। धातु अगर कीट भी आ रही तो उसको घिस ले तो फिर से उसमें चमक आ जाती है, लेकिन लकड़ी में नहीं आती इसे ठीक है, तो ये गुण होता है। दूसरा क्या जब है ना दूसरा क्या है, जबकि अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु क्या होती है कुचालक होती है, और धातु क्या होती है सुचालक होती है। एक लिए ये लिख दो ठीक है। अगला ये है ना दो अंतर आपके हो गए, आपको दो अंतर लिखने हैं ठीक है, और अगर आप चाहे तो तीन भी लिख सकते हो अच्छे से ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कार्बनीकरण किसे कहते हैं, तो देखिए कार्बनीकरण यौगिक कार्बन हाइड्रोजन और अन्य तत्वों से मिलकर बना यौगिक है ना, बना यौगिक को कार्बनीकरण कहते हैं ठीक है। अगला देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो देखिए प्राकृतिक गैस जो कि प्रकृति से प्राप्त होती है वो गैस, देखिए देश में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है ना कृष्णा गोदावरी घाटी में अनुमानित है, देहरादून आसमक भी सम्मिलित है ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपना है वैक्सीन टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करते हैं, जैसे कि आपको कोरोना का टीका लगाए तो हमारे शरीर में कैसे काम करता है पूछा जा रहा है। देखिए टीका यानी कि वैक्सीन, अगर आप चाहे तो इंग्लिश में मत लिखे केवल हिंदी में ही लिख ले, टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव है जिससे प्रयोग से है ना जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधक प्रतिरोधक क्षमता का प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाना है ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या है सजीवों में कोशिका को मूलभूत संरचना इकाई क्यों कहा जाता है, ठीक है तो इसका उत्तर देखिए, क्योंकि सजीव के शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा ही होता है ठीक है ना, कोशिका के द्वारा ही होता है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, तो देखिए आप तो इस उत्तर को लिख लीजिए और मैं आपको इसे समझाऊं। तो देखिए सोडियम जो होती है ना वो अति क्रियाशील धातु होती है, और वो जब वायुमंडल कार्य कर रहे थे जैसे कि भाई पानी देख लेते अपन क्या है पानी, अगर वो सोडियम धातु अगर पानी है, ये मैं यहाँ पर देखिए पानी है, अगर इस पानी में अगर अपन उस धातु उस सोडियम को यहाँ पर पटक दे सोडियम में अगर इसमें डाल दे तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी आग उत्पन्न हो जाएगी बच्चों, आग। ये आग क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि भाई सोडियम अतिक्रियाशील धातु है, ताकि ऐसा न हो कि भाई ना तो आग लगे ना कुछ बुरा हो, इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर सोडियम को हम एक बार मिट्टी के तेल में रख देते हैं ना बच्चों, तो होता ये है कि उसका संपर्क वायुमंडल से टूट जाता है, तो खतरा कुछ भी नहीं रहता, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है ठीक है। अगला देखिए, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पहला दे रहा है पहला अपना बोल रहा है वस्तु की दाल बदल सकती है, वस्तु की दाब बदल सकती है ठीक है ये वाला है ना। दूसरा देखिए, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, और तीसरा है वस्तु का आकार परिवर्तित हो सकता है ना, तो ये तीनों आपको पॉइंट लिख लेने हैं ठीक है। अगला देखिए, पहली ने आधा किलो है ना पहली ने क्या आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंद लिया, दो घंटे पश्चात उसमें देखा कि आटा फूल गया, पहली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देकर मदद कीजिए। तो देखिए पहला बोल रहा है कि आटे के फूलने में यीस्ट किस प्रकार सहायता करता है ठीक है, यीस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो है रक्त को है ना रक्त को हाल का निर्माण हो जाता है ना
है ना, ये देख सकते हो हाल का निर्माण हो जाता है ना, आटा फूल जाता है ना, खमीर कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है इसमें, ठीक है। दूसरा वाला का जो है ना, अपना दूसरा वाला पूछ रहा है कि यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो ब्रेड एवं केक उद्योग में, ठीक है। तीसरा प्रश्न जो बोल रहा है वो बोल रहा है अपना, देखिए कि क्या इडली व डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग होता है, तो नहीं होता है, ठीक है, इडली व डोसा बनाने के लिए। अगला देखिए, अगला क्या है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये देख सकते हो, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ झिल्ली के बना होता है, झिल्ली से बना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, जबकि ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाए यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 18, पेट्रोल का निर्माण के प्रक्रम को समझाइए, ठीक है, इसका पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, पेट्रोल की प्राप्ति धरातल के नीचे स्थित अवांछनीय चट्टानों के ऊपर कुछ खोदकर की जाती है, जिससे ड्रिलिंग भी कहते हैं। विश्व में सबसे पहले यूएसए में हुआ, ठीक है, इसकी खोज कहाँ हुई, यूएसए में हुई, ठीक है। पेट्रोलियम से इसके अवयवों के अलग करने की विधि प्रभावी आसवन विधि कहलाती है। ऐसा पूछा जा सकता है आपको यहाँ से कि पेट्रोलियम में इसके अवयवों को अलग करने की विधि क्या कहलाई जाती है, तो वो कहलाई जाती है प्रभावी आसवन विधि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न अपना बोल रहा है, निम्न सारणी में वस्तुओं की स्थिति है ना के समय कार्य को अपसरण व अभिसरण में व्यक्त कीजिए। देख सकते हो आपको इस प्रकार सारणी बनानी है, पहले कॉलम में आपको लिखना है स्थिति का वर्णन, दूसरे में आपको लिखना है कार्य, धक्का है ना, धक्का देना है ना, खींचना या जो भी है, ठीक है। और तीसरे में आपको लिख देना है कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, एक में आपको लिखना अपसरण है ना का अपकर्षण, ये दूसरे में लिखना है ना अभिकर्षण, ठीक है, अभिकर्षण, यहाँ पर भकर्षण लिख दिया लेकिन अभिकर्षण आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला बोल रहा है, बोल रहा है अपना, ये तो आपको मिलेगा, ठीक है, कि मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, तो इस पर आ जाएगा आपको धक्का देना, है ना, क्योंकि भाई मेज पर रखी कोई वस्तु, देखिए ये मेज है ना, इस पर रखी कोई वस्तु, ये अब इसको इसको गतिशील करना, तो गतिशील कैसे करेंगे, जब इसको अपन पीछे से धक्का देंगे तो ये आगे जाके गिरेगी, तभी क्या होगी, गतिशील होगी, तो इसमें आ जाएगा धक्का देना, और धक्का देंगे तो इसमें क्या होगा, अपकर्षण होगा, ठीक है, अपकर्षण आपको राइट कर देना है। अगला देखिए, दरवाजे को बंद करना है ना, खोलना व बंद करना, तो अगर खोलेंगे तो क्या करेंगे उसको, देखिए दरवाज़ा है, अगर इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे, यहाँ से धक्का देंगे, और अगर यहीं से मान के चलिए अगर इसे हमें खोलना नहीं है, लगाना है, तो इसे क्या करेंगे, बंद करेंगे तो क्या करेंगे, खींचेंगे, फिर से इधर खींचेंगे, तो क्या हो जाएगा, धक्का देना और खींचना, तो इसमें क्या होगा, दोनों हो जाएगा, अपकर्षण भी हो जाएगा और अभिकर्षण भी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हो, कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, तो इसमें आ जाएगा है ना, इसमें आ जाएगा ऊपर उठाना, ठीक है, कपर नहीं ऊपर उठाना, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका अभिकर्षण, ठीक है, उसमें उसके बाद फुटबॉल के खिलौने का यहाँ पर देख सकते हो, ये जो भी है ना, इसको आप अच्छे से देख लेना। अगला देखिए, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना क्यों अधिक है। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि भाई सीएनजी जो है ना, सीएनजी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बात करूंगा, सीएनजी एक ऐसी गैस है जिससे आपने देखा होगा न तो धुआं आता है, न ही पर्यावरण प्रदूषण होता है, और एक वो सस्ती भी होती है, ठीक है, पेट्रोल से, इसीलिए इसका उपयोग होता है, बाकी आप इस उत्तर को देख सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला पेट्रोल के विभिन्न संगठनों के नाम लिखे तथा उनका उपयोग लिखिए। तो देख सकते हो यहाँ पर आप पेट्रोल है ना, डीजल, कोल तार, ग्रीस, स्नेहक आदि का मिश्रण पेट्रोलियम का उपयोग है ना कहाँ होता है, एक तो है ना, एक तो होता है आपको रूपों में किया जाता है, ठीक है, परिवहन में, औद्योगिक ऊर्जा के रूप में, प्रकाश व ऊष्मा जनन हेतु स्नेह के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा आपका चित्र, चित्र काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पर सिंपली दो डंडा खींचना है ना, दो डंडे खींचने के बाद ऊपर एक गोला बनाना है, और गोले में आपको एक ऐसा बत्ती बना देना है, ये आपका चित्र बन चुका है। अब चित्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने नामांकित करने, नाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 नामांकित करने हैं, कितने करने भैया, 5,
पहला आप यहाँ पर लिख दो सबसे गर्म भाग, जो कि यहाँ पर पहले पहले का होता है। उसके बाद अगर बीच में चलेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर और ऊपर चलेंगे तो फिर सबसे गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ ये तो जानती हो ये क्या है भाई, ये मोमबत्ती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिख दो अधजली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र ये यहाँ पर होता है, ठीक है। उसका यहाँ पर लिख दो आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है, ये वाला देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको कम से कम 5 तो लिख कर आना है, बाकी आप अधिकतम कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखिए, निम्न को समझाइए कि लोहे में जंग लगना। तो देखिए लोहे में जंग लगना क्या होता है, तो लोहा जब ऑक्सीजन, नमी, आर्द्रता आदि के जो संपर्क में आता है ना, किस किस के संपर्क में आता है, पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गई, है ना, आर्द्रता होगी, क्या होगी, आर्द्रता होगी, इसके संपर्क में जो आता है ना भाई लोहा, तो क्या होता है, तो क्या होता है, उसकी जो सतह होती है उस पर भूरी परत चढ़ जाती है, भूरी, जैसे लोहा है और इसकी जो सतह है इस पर एक भूरे थोड़ी थोड़ी लाल करके ये रंग, ये परत चढ़ने लगती है, वो आपको दिखती नहीं है शुरू शुरू में, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो क्या होता है, यही ये जो प्रक्रिया जंग लगने की, यह क्या है, अपने लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया कहलाती है, ठीक है, है ना, देख सकते हो आप अच्छे से ये लिखा रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए जब किसी कम देखिए इसको तो मैं समझाता हूँ, है ना, विस्थापन अभिक्रिया जब कम क्रियाशील तत्व, कम क्रियाशील वाला तत्व, ठीक है, यानी कि कम ताकतवर तत्व है, अगर वो अधिक क्रियाशील वाले तत्व को, किसको, कौन से तत्व को, नहीं अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटाकर अपना यौगिक बना ले, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन। एक बार और बच्चों, जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर, ठीक है, यहाँ से हटा देगा और उसकी जगह खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर समझ सकते हो या लिख सकते हो, मैंने आपको अपनी भाषा में समझाया है। अगला देखिए, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए धातु की जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये जल में घुलकर धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, पर सभी धातु जब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातु एवं, है ना, धातु जल के साथ तेज अभिक्रिया करती, सभी नहीं करती है ना, ये पोटेशियम और सोडियम करती है, ठीक है। अगला देखिए, दीर्घ उत्तरी आ जाता है अपना, जहाँ तक संभव प्लास्टिक के उपयोग से बचे, इस पर आपका तर्क दीजिए। तो देखिए मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में बता दूँ, आपको ये रटना नहीं है, आप इस प्रश्न का जवाब अपने मन से भी दे सकते हैं, किसको समझाऊंगा। देखिए प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक को कौन खाएगी भाई, गाय खाएगी, गाय माता, ठीक है। अगर ये प्लास्टिक को खा जाती है तो इसके पेट, इसकी मृत्यु होगी। तो पहला कारण तो ये था कि गाय की मृत्यु न हो, जानवर की मृत्यु न हो, इसलिए हमें प्लास्टिक का जो उपयोग है उसको बेहद ही कम करना है, है ना, कम करना चाहिए, जहाँ तक हो सके उससे बचना चाहिए, है ना, पहला कारण तो ये हो गया, है ना। बाकी देखिए दूसरा कारण क्या हो जाएगा, इससे जो है ना पर्यावरण प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, जहाँ पर भूमि में पानी नहीं जाने देती है, पेड़ पौधों को उगना नहीं देती है, ऐसी बहुत सारी वैश्विक चिंता के विषय है ये, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, ये देख सकते हो, ये आपको लिख लेना प्रॉपर उत्तर। इसलिए हमें क्या है, जहाँ तक संभव हो आपको जो प्लास्टिक है उसका उपयोग कम करना है, ठीक है, आपको करना भी है कम, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ आपने उत्तर देख लिया, यहाँ तक है इसका उत्तर, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आप यहाँ पर देख सकते हो, अगला आ जाएगा 24। ये तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तो देखिए ये चित्र तो आ गए लेकिन इसमें नाम नहीं है ना, तो देखिए नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको नाम लिखना है ना, देखिए मैं बता देता हूँ आपको नाम, ये थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, ये हो जाएगा आपका तंत्रिका का अंतिम, है ना, तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। कौन सा सिरा, देखिए तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है, अंतिम सिरा, ये आपको पता ही होगा, आपको बुक में बन रहा होगा, ठीक है। उसको यहाँ पर आप ये लिख दो भाई, केंद्रक, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका केंद्रक, है ना, ये हो जाएगा आपका कोशिका काय, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका कोशिका काय, ठीक है, कोशिका काय हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सारे लिख लेना है अच्छे से बुक में, आपको देख लेना है, मैं मुझको इतना ही पता है भाई, ठीक है। और बाकी आप ये देख सकते हो कि तंत्रिका तंत्र सूचनाओं को संग्रहण करते हैं, सूचनाओं का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, ठीक है, है ना, उन्हें पूरे शरीर में भोजन भोजन भेजते हैं, ठीक है,
सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। ये भी मस्तिष्क से संबंधित ही कार्य करती, ठीक है, एवं निर्णय को मांसपेशियों तक भेजने का कार्य करती है। अगर ये ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है ये। अगला देखिए, अगला क्या, खाद देने से फसलों को क्या लाभ होते हैं। देखिए खाद देने से फसलों को काफ़ी लाभ होते हैं यार, मिट्टी की जल धारणा क्षमता जो ना वो बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता है ना, जो जल ज़्यादा पीती है फसलें, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि भाई मिट्टी भूरी भूरी एवं है ना सुगंधित हो जाती है उससे। तीसरा कारण है गैर विनिमय सरलता से हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है कि मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो जीवाणु क्या होते हैं भाई, किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि भाई मिट्टी को ढीला करते हैं इसलिए पानी ज़्यादा सूखेंगे फिर, है ना। इसलिए चौथा फायदा ये भी है। पांचवा फायदा क्या है, मिट्टी के क्या है यहाँ पर, ये गहन में सुधार होता है ना, गहन में सुधार होता है। अगला देखिए, अगला क्या है, मानव कर्ण यानी कि कान का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हो चित्र तो ये रहा, लेकिन आपको नामांकित भी करना है। सोरे में इसको जल्दीबाजी में नामांकित नहीं कर पाया, लेकिन आपको अच्छे से पुस्तक में देख लेना है, उसको अच्छे से नामांकित करना है ना। अगला देखिए, इसका आपको ये कार्यशीलता भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कान के बाहरी भाग की आकृति की है ना, ये जो भी है, ठीक है, अच्छे से देख लेना। अगर हो सके तो आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगा। जय हिंद।